एक ऐसा देश जहां कॉकरोच से बना शरबत पीते हैं लोग। सिर्फ यही नहीं, कॉकरोच का यूज विभिन्न बीमारियों को दूर करने में भी किया जाता है। और दुनिया का एक ऐसा देश जहां लोग 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, बल्कि घंटों लगाते हैं खाना खाने में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरज। नीरज बवर्सेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शरबत के बारे में बताऊंगी जो कॉकरोच से बनता है। यहाँ तक कि कॉकरोच से बने दवाई जो कि पेट के अल्सर, उल्टी, दस्त जैसे रोगों को दूर करता है। साथ ही ये भी बताऊंगी कि दुनिया के कुछ ऐसे विचित्र देश जहाँ लोग घंटों लगा देते हैं खाना खाने में। आखिर ये क्या खाते हैं, क्यों लेते हैं इतने समय खाना खाने में, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आई होप जानकारी आपको पसंद आएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, कॉकरोच है चमत्कारी दवा। आमतौर पर आपने लोगों को फ्रूट्स या फिर किसी अच्छे चीजों से बना शरबत पीते हुए देखा होगा और खुद भी इसका सेवन किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को कॉकरोच से बने शरबत को पीते हुए देखा है? सुनकर ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक ऐसा अनोखा देश भी है जहाँ कॉकरोच से बने शरबत को पीते हैं। आपको ये जानकर हैरानी तो जरूर होगी, पर यह बिल्कुल सच है। यही नहीं, कॉकरोच का यूज विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने में भी किया जाता है। इस अनोखे देश के लोगों के लिए कॉकरोच कमाई का जरिया भी है। अब तक तो आपने इस देश का नाम गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं चीन के बारे में ही बात कर रही हूँ। यहाँ के लोग अजीब प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तो खाते ही हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन कॉकरोच को चीन के अलावा कई एशियाई देशों के लोग फ्राई करके खाना पसंद करते हैं। चीन में बड़ी मात्रा में कॉकरोच का पालन किया जाता है। इसका पालन चीन के सिचुआंग शहर में मौजूद एक दवाई कंपनी करती है। यहाँ लगभग 600 करोड़ कॉकरोच का पालन हर साल होता है। कॉकरोच को एक बिल्डिंग में पाला जाता है जिसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा होता है। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग में कॉकरोच को खाने की व्यवस्था भी दी जाती है। इस बिल्डिंग में कॉकरोच को सनलाइट से दूर रखा जाता है। इस बिल्डिंग में कॉकरोच को घूमने की और रिप्रोडक्शन की पूरी छूट होती है। जब कॉकरोच बड़ा हो जाता है तब इसे कुचल दिया जाता है और शरबत बनाया जाता है। इस शरबत का यूज सांस की परेशानियों, उल्टी, दस्त, पेट के अल्सर और कई दूसरे बीमारी के इलाज में किया जाता है। चीन में इसका यूज परंपरागत दवाई के रूप में किया जाता है। ये किसी चमत्कारी दवा से कम नहीं है। कॉकरोच से बने दवाई का असर दूसरे दवाइयों के मुकाबले काफी तेजी से होता है। फैक्ट नंबर टू, ऐसे देश जहां घंटों लगाते हैं लोग खाना खाने में। फ्रांस एक ऐसा देश जहां लोग खाना खाने में रोजाना करीब 2 घंटे 13 मिनट का समय लगा देते हैं। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कई ऐसे देश मौजूद हैं जहां खाना खाने में लोग अच्छा खासा समय लगा देते हैं। जानकारी के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में दुनिया में मौजूद कई ऐसे देशों के लोगों की जीवन शैली और उनकी प्रवृत्ति से जुड़े आंकड़ों को उजागर किए हैं, जिसके अनुसार फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों का डाइट सबसे ज़्यादा हेल्दी रहा है। फ्रांस के लोगों का डाइट बैलेंस्ड डाइट होता है। यहाँ के लोग अपने डाइट में हरी सब्जियों, फलों और टमाटर जैसी चीज़ों को शामिल करते हैं। खैर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खास बात ये है कि ये लोग रोजाना जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने में 2 घंटे 13 मिनट का समय लगा देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इटली देश के लोगों का खाने का पैटर्न भी लगभग फ्रांस के जैसा ही है। यहाँ के लोग रोजाना खाना खाने में 2 घंटे 7 मिनट का समय लगाते हैं। लेट से खाने के लिस्ट में स्पेन को तीसरे नंबर पर रखा गया है। स्पेन के लोग खाने को ईश्वर का दिया हुआ तोहफा मानते हैं और यही वजह है कि ये लोग खाने को बीच में कभी भी छोड़कर नहीं जाते। वाकई ये बहुत ही अच्छी आदत है स्पेन के लोगों में, और यही कारण है कि स्पेन दूसरे देशों के मुकाबले खाने की बर्बादी के मामले में बहुत ही पीछे है। चौथा देश है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के लोग खाने के और सोने के बहुत ही शौकीन हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बनने वाली डिशें लगभग एक जैसी है। यहाँ के लोग भी रोजाना खाना खाने में 1 घंटे 45 मिनट का समय लगा देते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।
यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।